नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस समय अपने ससुराल में मैं हूँ और इधर देखिए ये हमारे जेठ जी का घर है जो कि खाद्य सामग्री वितरण करते हैं बहुत दिन से मास्टर भाई साहब। तो अभी सब घर वाले विंध्याचल गए हैं और कुछ लोग भी घर में हैं। तो सभी जितने हमारे देखने वाले हैं व्यूअर, उनको मैं शुभकामनाएँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ कि आपका ये नव वर्ष सुखमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। तो मैं इस समय अपने ससुराल में हूँ और इस समय खेत में हूँ, जो मैं आपको दिखाई थी गाय का चारा वाला खेत, तो आधा चारा कट चुका है, अभी इधर चारा है, इसमें सरसों भी है। तो अपने खेत से मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। वैसे तो हिंदू मान्यता के अनुसार हमारा जो हिंदुओं का नववर्ष होता है वो चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, लेकिन जब बहुतायत कोई भी चीज़ हो, पर्व हो, कोई भी चीज़ हो, एक साथ जब मनाया जाता है तो उसकी भी मान्यता रहती है। जैसे कि पूरे विश्व में 1 जनवरी से ही नव वर्ष मनाया जाता है और गणना में, हर चीज़ की गणना में, जैसे लिखने में, पढ़ने में, वो सब ये अंग्रेजी कैलेंडर का ही मान्यता है आज के युग में। तो जो सभी मनाते हैं वो भी अच्छा होता है। तो आप सभी के लिए पूरे विश्व में जो हमको देखते हैं, यानी भारत से बाहर भी जो हमारे भारतवासी हैं वो हमको देखते हैं, उनके लिए भी भगवान सभी सुख समृद्धि और संपन्नता लाएं। हमारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ सदैव आपके साथ रहती हैं। हम अपना खुशी, अपनी हर बातें जो विशेष होती है आपसे ज़रूर बाँटते हैं। आप भी हमसे अपनी खुशी बाँटते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं और मैं आपको उपाय बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को लाभ भी होता है। उसी सिलसिले में आपको बताऊँगी कि ऐसे शुक्रवार के दिन 1 जनवरी शुरू हुआ है तो दान पुण्य शुभ कार्यों से कोई भी चीज़ का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आप नहा के स्नान करके, थोड़ा सा दूध वगैरह जल में डाल के नहा के स्नान करके, सबसे पहले देवी मंदिर में या जो आपके आराध्य हों, इष्ट हों, उनके मंदिर में जाइए और सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, जिसमें बताती हूँ कि चावल, दही और उसमें इत्र जरूर होना चाहिए और रुई, सफ़ेद फूल, कपूर, गाय का घी, ये सब चीज़ों का दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शुभता बढ़ती है। अगर शक्तिपीठ हो, माँ लक्ष्मी के मंदिर हो, तो वहाँ पर दान करें या कोई भी मंदिर में जो नज़दीक की मंदिर हो वहाँ दान कर सकते हैं। और जैसे कि आप कभी भी कहीं भी घूमने जा रहे हैं देवस्थान में, तो नाश्ता वगैरह करके नहीं जाना चाहिए, नहा के सीधे मंदिरों में जाके पहले दर्शन करें, आशीर्वाद लें, फिर आप घर से कुछ भी बना के ले जाएं। जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है तो आप खीर और पूड़ी बना के ले जा सकते हैं, अपने जितने सगे संबंधी भाई बंधु उनके साथ बैठ के आप भोजन कर सकते हैं और कुछ दान भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नव वर्ष में आप क्या करें क्या ना करें। पूस महीना भी चल रहा है, खर मास भी चल रहा है, ऐसी अवधि में जैसे बेटी या बेटा के विवाह के लिए आप जाना चाहते हैं तो खर मास में न जाएं, बिल्कुल 15 दिन का इंतज़ार करिए पहले, उसके बाद ही आप बेटी या बेटा के विवाह के लिए जाइए। कोई भी शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह प्रारंभ या कोई भी शुभ कार्य, नामकरण वगैरह इस समय न करें। तमाम कमेंट आए हैं उसके जवाब दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पा रही थी इसलिए मैं वीडियो में बता दे रही हूँ, और जो भी आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए मैं जवाब देना शुरू करूँगी। तो जैसे आपको कुछ भी खरीदना है तो आप चांदी से शुरू करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र, चावल वगैरह खरीद सकते हैं, उसको स्टॉक करके रख सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। जैसे कि ओढ़ने बिछाने के लिए जो आपको चीज़ें लेनी है वो खरीद सकते हैं। जैसे कोई विशेष चीज़ होता है तो उसमें आप उसको भी खरीद सकते हैं, घरेलू सभी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जैसे कि मकान वगैरह जब आपको जैसे बनवाना होता है तो उसका जो मटेरियल होता है तो वो नींव पूजन के पहले आ जाता है, लेकिन शुभ मुहूर्त में सब चीज़ें भी आती हैं, तो पहले से मंगा के न रखें, अभी खरमास में बिल्कुल न रखें। और जैसे कि बर्तन हुआ या घर के लिए कोई भी उपयोगी चीज़ें हुई वो भी सब आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए ये 2021 सुखमय मंगलमय कैसे हो। कोई भी एक बुरी आदत, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदत है, कोई आदत ऐसी होती है कि लोगों के सामने प्रकट रहता है, यानी लोग उसकी आदतों को जानते हैं, लेकिन कोई ऐसी आदतें होती हैं जो कि वो व्यक्ति जानता है, उसके सिवा दूसरा नहीं जानता है। आप जो जानते हो कि आदत बुरी है तो कोई एक आदत आप छोड़ने का प्रयास करें और कोई एक शुभ संकल्प लें, जो कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत कठिनाई से निभाएं, ऐसा कोई भी शुभ संकल्प जो एक ख़राब चीज़ को निकाल के वहाँ नया चीज़ स्थापित कर लें। कोई भी शुभ संकल्प लें कि आप ये चीज़ें
जब तक आपको मतलब कर सकते हैं तो आप करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ हुआ, किसी जानवर को चोट न पहुंचाना या किसी जानवर को खाना दे देना, पक्षियों को खाना दे देना, जैसे कि आप सुन रहे होंगे यहाँ पक्षियाँ बहुत ढेर सारी हैं, तो मैं भी खाना वगैरह बनाती हूँ, बिस्कुट उस्कुट उनको देती हूँ, बहुत सारी पक्षियाँ हैं यहाँ पे, आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो जैसे कि मैं अभी एक वीडियो डाली थी तो उसमें ज्योतिष से संबंधित यानी कि 2021 आपका कैसा रहेगा, तो लोगों का कमेंट था कि आप ज्योतिष बन गई हो क्या। तो ज्योतिष तो ज्योतिष का ज्ञान भी हमको है और तमाम मैं लोगों को बताती भी हूँ, उनको फ़ायदा भी होता है। तो जैसे लोगों की कुंडली बनती है वैसे आपको पता होगा घर की कुंडली भी बनती है। जैसे आपका घर है तो आप घर अपना घर का नक्शा दिखाओ तो ज्योतिष होते हैं आपको बता देंगे कि आपके घर का कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, उसकी भी कुंडली। उसी प्रकार से देश की कुंडली भी होती है। तो भारत की कुंडली के अनुसार जैसे कि देश जब अलग हुआ या स्वतंत्र हुआ मान लीजिए, तब से अपने देश का जो मालिक बना उस दिन से देश का अपने मतलब उदय माना गया, तो उस अनुसार भारत की जो कुंडली बनी है तो भविष्यवाणियाँ जो की गई हैं उसी के अनुसार की गई हैं। तो भविष्यवाणियाँ जब की जाती हैं तो उसी के अनुसार की जाती हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो कुंडली बनती है, घर बनता है तो कुंडली बनती है, उसे भारत की कुंडली के अनुसार ही भविष्यवाणियाँ की गई हैं। तो कोई भी चीज़ हम अपने तरफ से नहीं बताते, जानकारियाँ लेकर बताते हैं। और जब भी कुंडली के अनुसार बताया जाता है कोई चीज़ तो भी भविष्यवाणी कुंडली देख के बताई जाती है। ज्योतिष का ज्ञान जो भी हमारे हिंदू भाई बहन है थोड़ा बहुत जिनको रुचि होती है वो सभी जानते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी परेशानी में ज्योतिष का इधर उधर की बातें बता के ज्योतिष को परेशान नहीं किया जाता, आपको आपके भला के लिए आपके समझ के लिए वीडियो बनाया जाता है। आपका कन्फ्यूजन होता है उसको भी दूर किया जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ उपाय कि इस साल शुक्रवार के दिन यानी दिन के समय, रात्रि के समय नहीं दिन के समय, चांदी का स्वास्तिक लेना है और उसका पत्तल यानी स्वास्तिक का हलंत लगा हुआ पत्तल लेना है घर के मेन गेट पर, उसको लगा के उसकी पूजा करनी है। मान लीजिए चांदी का स्वास्तिक नहीं है तो आप गोपी चंदन से भी स्वास्तिक बना के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको बता रही हूँ कि 2021 में आप क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको बता रही हूँ जैसे कोई भी गाय हो, चाहे लाल गाय हो, काली गाय हो, सफ़ेद गाय हो, तो उस गाय को चावल में, या तो पका हुआ चावल हो या तो ऐसे ही चावल हो, तो चावल में थोड़ा सा मिश्री मिला के, घी नहीं मिलाना, थोड़ा सा मिश्री या गुड़ मिला के ठंडा करके उस गाय को खिलाना है। जैसे शुक्रवार के दिन गौ का सेवा करने यानी लक्ष्मी का सेवा करना माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान, अगर कोई बूढ़ा ब्राह्मण हो जिसका बाल सफ़ेद हो, सफ़ेद वस्त्र पहनता हो, कभी कभी ब्राह्मण जैसे शनि जी का पूजा करते हैं तो काले वस्त्र भी पहनते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं। लेकिन बूढ़ा ब्राह्मण जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं उनको सफ़ेद चीज़ों का दान, विशेषकर अगर चांदी का दान करते हैं तो इससे पितर और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। चांदी, आप चांदी का कोई छोटा सा बर्तन, गिलास, कटोरी या कोई सिक्का भी दान कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 2021 आपके लिए सुखमय मंगलमय कैसे हो और आप सदा हमारे साथ कैसे बने रहें। और जो भी आपको उपाय वगैरह जो आगे जो वीडियो है, हमसे अपने गाँव में आए हैं तो आपको कई रेसिपी भी बताएँगे, थोड़ा सा अभी व्यस्त हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका हाल चाल पूछूंगी कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, छुट्टियां मनाने ज़रूर गए हैं, देवी मंदिर में ज़रूर जाएं और वहां पर आप सुरक्षित रहें और बहुत ही सावधानी से छुट्टियां मनाएं, सुखी संपन्न और स्वस्थ रहें। यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।